डीजीएफ पार्टनर्स में सभी का स्वागत करता हूं इस नए ट्रेनिंग सेशन के अंदर। डेफिनेटली आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो एक इतनी खूबसूरत ट्रेनिंग होगी, एक छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके कहां हमें दिक्कत आती है उस पॉइंट को अगर हम समझ गए, उस पॉइंट को अगर हमने नोटिस कर दिया, उस पॉइंट को हमने एक्सेप्ट कर लिया और उस पर अगर हमने एक्शन लेना शुरू किया, आपको आपको कोई ही सक्सेस से रोक नहीं सकता है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। तो डेफिनेटली आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको धैर्य रखना पड़ेगा, हर पॉइंट्स को उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर आपके पास किताब और पेन नहीं है तो आप उसको किताब और पेन लिख के रखिए और अपने घर के अंदर आप बोल दीजिए कि एक से डेढ़ घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे कोई बीच में कोई उसको डिस्टर्बेंस ना करे। आप अपना पानी चाय नाश्ता लेके बैठिए और सामने इसको प्रॉपरली जो है इसको फोकस कीजिए। जब हम मीटिंग में होते हैं तब कोई ना कोई हमें फोन आता है, कॉल्स आते हैं, हम उसमें उलझ जाते हैं। मीटिंग का कुछ हिस्सा, इंपॉर्टेंट पार्ट जो ट्रेनिंग का रहता है, हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक डेढ़ घंटे में ऐसी कोई घटना किसी के साथ नहीं घटने वाली है जिसके आपको कोई लाखों करोड़ों का नुकसान होने वाला है या कोई डिस्टर्ब होने वाला है। तो डेफिनेटली आप अवॉइड कीजिएगा आपके कॉल्स को और हर पॉइंट को जो है उसको नोटिस कीजिएगा, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग जब रहती है उसमें मैं चाहता हूं कि जितने लोग आए हैं उतनों के रिव्यूज मुझे वापिस आने चाहिए, ताकि मुझे पता चलता है कि मेरी ट्रेनिंग में कुछ कमी तो नहीं रह गई, या उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट करना है, या उसके अंदर क्या बदलाव आप चाहते हो, या किस टॉपिक पे आप और फोकस करना चाहते हो, जिससे मैं आपको आगे आने वाले समय में मैं आपको गाइड कर सकूं। हमारे अभी ग्रुप जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि संडे का टाइम है, 5 बज गए हैं और हमने एक ऐसा टाइम चुना था कि हमारी मीटिंग भी रात की डिस्टर्ब ना हो, तो संडे के दिन लगभग हॉलीडे भी होता है, काफी लोग छुट्टी भी होती है, तो ये टाइमिंग हमने परफेक्ट समझा। फिर भी हम लोगों से फीडबैक लेंगे कि आप लोगों का क्या टाइमिंग सुटेबल रहता है ट्रेनिंग के लिए, तो हम हफ्ते में या 15 दिन में इसको एक ट्रेनिंग सेशन में आपको लेके आए, मतलब हम बुलाएंगे, ताकि आप इसके अंदर करियर आप अपना आसानी से बना सके। लेकिन शर्त यही है कि कोई भी मीटिंग को स्किप करके नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होती है ये ट्रेनिंग सभी लोगों को आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है। ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग को सीखना और उस पर एक्शन लेना, वो कैसे होता है आज प्रॉपरली मैं गाइड करूंगा कि आप लाखों रुपया भी खर्चा करो और अगर आपके सामने वो तरीका नहीं है उस मीटिंग को अपने दिमाग के अंदर अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में फिट करना, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, मतलब आगे बढ़ नहीं सकते हो। मतलब एक जो सक्सेस हमें चाहिए या जो हम चाहते हैं वो काम होना चाहिए, वो कुदरत का इशारा बहुत बड़ा है, उसको समझना कैसे है, उसको कैसे लेके जाना है, वो सब पॉइंट्स मैं आज डिस्कस कर लूंगा। आप धैर्य रखिएगा और जितने लोगों को आप अभी कम्युनिकेशन कर सकते हैं उतने लोगों को कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि ये जो मीटिंग, भले मेरे सामने 5 लोग भी है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 50 लोग भी है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 500 या 5000 लोग मेरे सामने हैं, मैं उस नंबर को काउंट नहीं करता हूं, मैं इंपॉर्टेंस उनको देता हूं कि जिसने समय का योगदान दिया है, मैं उसको इंपॉर्टेंट काउंट करता हूं कि जिसने समय पे यहाँ पे टाइम को समझ के उसको अप्रिशिएट किया है, उसको वैल्यू किया है, उसी को मैं सबसे बड़ा सक्सेस मानता हूँ, उसी को मैं सक्सेस, सबसे बड़ा सक्सेस मैं उसी को मानता हूँ, क्योंकि लाइफ में यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका समय पे हाजिर होना और समय पे प्रेजेंस दिखाना। दुनिया की सबसे बड़ी जो लाइफ का जो पार्ट है, सक्सेस होने का पार्ट है, वो है समय पे, टाइम पे अटेंडेंस देना, ठीक है। तो बस मैं चाहूंगा कि अभी मैं शुरुआत कर देता हूं, क्योंकि इट्स मोर देन 15 मिनट्स हम ट्रेनिंग सेशन कभी भी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा ट्रेनिंग का जो टाइम है वो लाइफ में कोई भी बड़े ट्रेनर्स होते हैं वो डॉट सेकंड्स को भी मिस नहीं करते, वो डॉट सेकंड, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते हैं। हम हमारे लाइफ के देखो कितना समय, कितने सेकंड्स क्या क्या विचारों में वेस्ट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है और हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो मैं आज आपको वही सारी बातें यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, तो मैं लाइव कर रहा हूँ अपने आप को, आप लोग सब जन म्यूट रहिएगा, अगर मेरी वॉइस अगर आपको नहीं पहुंचती है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हमारे होस्ट जो भी है वो आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, और हैंड रेस कीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो हैंड रेस करके चैट बॉक्स में मैसेज डालिएगा। मीटिंग के दौरान किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा,
और कोई क्वेश्चन आंसर का जवाब आपको यहाँ पे नहीं फिलहाल दिया जाएगा। मैं मीटिंग जब एंड कर दूंगा उसके बाद डेफिनेटली आपको इसका जो रिव्यू है या जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको यहाँ पे लाइव करेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ अभी मीटिंग की। गुड इवनिंग, आप सबका ट्रेनिंग टाइम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइफ के गोल्स, लाइफ के मिशन और लाइफ के विजन के ऊपर। आप सभी जानते हैं हर इंसान, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कहीं ना कहीं अपने लेवल पे परेशान है। परेशानी बहुत एंगल से अलग अलग होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और ज्यादातर पाया गया है कि जिसके पास पैसा है उसको पैसा कहाँ रखना उसकी परेशानी, और जिसके पास पैसे नहीं है या इनकम नहीं है वो इनकम कैसे जनरेट करे उसकी परेशानी। मतलब जरूरी नहीं है कि इंसान परेशान ना हो, जिंदगी में उतार चढ़ाव सभी को आते हैं, और उस उतार चढ़ाव में लोग गुमराह भी हो जाते हैं, कुछ गलतियां भी कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमने ऐसा देखा गया है कि लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स कब आ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन लोग कभी कभी ऐसे माहौल में फंस जाते हैं कि वो जिंदगी भर उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमें जिंदगी में ऐसा क्या करना चाहिए, हमें हमें अपनी लाइफ को, हमारे कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है, उसको क्या, कौन से लॉज को, कौन से रूल्स को हमारी लाइफ के साथ में अगर हम अटैच कर देते हैं तो डेफिनेटली हम हमारे लाइफ में, हमारी फैमिली के साथ, हमारे रिलेशंस, हमारे बिजनेस के साथ, हमारे बिजनेस के रिलेशंस को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं और बहुत आगे की ओर लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए खाली डिग्री होना या एजुकेशन, स्कूल का एजुकेशन होना, कॉलेज का एजुकेशन होना या कोई बड़ी डिग्री होना सिर्फ काफी नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, लॉर्ड मैकॉले जो ब्रिटिशर था उसने पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी थी इंडियन एजुकेशन की, पूरी पूरा माइंडसेट जो है एजुकेशन का, पूरा जो प्रोग्रामिंग है वो पूरा डिस्टर्ब कर दिया था इंडिया के अंदर। इतना बड़ा टैलेंट पड़ा पड़ा है, इतने टैलेंटेड लोग है कि लोग उस टैलेंट को अगर यूज कर ले और वो अगर उसको मल्टीप्लाई कर ले तो डेफिनेटली हम दुनिया के नंबर वन इकोनॉमी में, नंबर वन, और हमारे फाइनेंशियल सेक्टर से नंबर वन, और टैक्स पेइंग में नंबर वन कंट्री कहलाई जा सकती है। डेफिनेटली ये पावर इंडिया के लोगों के पास है, क्षमता है, लेकिन कुछ ऐसे माहौल में हम अटक गए हैं जहां हमें शायद बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जहां हम बढ़ने के मौके पे चढ़ते हैं, हम कोशिश करते हैं, वहां पे कोई ना कोई हमें खींच भी लेता है। डेफिनेटली ये होता है, मेरी जिंदगी गुजरी है, मुझे पता है कि मेरी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आए हैं, कितने तकलीफों को मैंने झेला है और कितने कितने सारी घटनाएं मेरे साथ हादसे में हुई है। लेकिन मेरे लाइफ में कभी भी आंख में उसके लिए मैंने आंसू नहीं बहाए, मेरा हमेशा हंसता हुआ चेहरा मैंने लोगों को दिखाया, मेरे परिवार को दिखाया है, लेकिन मैंने उसके फाइट करना सीखा, मैंने लड़ना सीखा, मैंने उसके तरीके सीखे कि इसमें से मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ। मैं सीखना चाहता था, मैं आज भी सीखता हूँ, मैं छोटे बच्चे से सीखता हूँ, मैं बड़ों से सीखता हूँ, मैं हर उस व्यक्ति से सीखता हूँ जो इस जो मेरे साथ में संपर्क में आता है। डेफिनेटली सीखना, किसी को मान देना, किसी को सम्मान देना, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको आज कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी की ओर लेके चलता हूँ, एक कहानी। अगर इस कहानी को आपने सुन लिया और उसको उतार लिया, दुनिया की कोई ट्रेनिंग की, कोई भी मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी के अंदर पूरा ट्रेनिंग और पूरा मोटिवेशन छुपा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ही सारे इंडेक्स छुपे हुए हैं, उस मोटिवेशन पॉइंट्स के सारे इंडेक्स। वो आपको ढूंढना है कि उस स्टोरी के अंदर मैं जो आपको सिखाने वाला हूं वो सारे के सारे पॉइंट्स उसके अंदर छुपे हुए। स्टोरी की शुरुआत करता हूं। एक गांव था, उस गांव में बहुत खुशहाल गांव था, बहुत ही खुशहाल गांव था, हंसता खेलता सब परिवार था, खेती बाड़ी थी, बहुत अच्छा चल रहा था, लोग बहुत अच्छे थे, एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, एक दूसरे को मदद करते थे, तकलीफ में एक दूसरे को काम आते थे, बहुत अच्छा सुंदर गांव था। और धीरे एक समय ऐसा आया कि उस गांव में पहाड़ आ गई, तो काफी समय वो पहाड़ का असर रहने से
वहां पे नुकसान हो गया, वहां पे खेती बाड़ी जो है वो नष्ट हो गई, जानवर जो थे वो बेचारे तड़प तड़प के डूब के मर गए, काफी लोग जो है गांव से निकलना शुरू कर दिए और दूसरे गांव की ओर शिफ्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि अभी उस गांव में कुछ बचा ही नहीं था, उस गांव में खाने के लिए अन्न नहीं था और लोग परेशान थे, बच्चे भूखे मर रहे थे, हर कोई परेशान था। जब गांव में कुछ लोग चले गए, कुछ लोग बचे थे, तो वो लोग भी जाने की तैयारी में थे, उस समय अचानक एक वहां पे साधु जी आए और उस साधु जी ने वहां पे पंचायत के लोगों को बोला कि आप इस तरह गांव छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ये जो घटना हमारे साथ हुई है वो कुदरत की घटना है, वो आज हम यहाँ है तो यहाँ भी हो सकती है, हम कहाँ और जाएंगे वहां पे भी हो सकती है, तो हम हमारे इस गांव को क्यों छोड़ के जाए, ये कुछ दिनों का समय है, ये बुरा वक्त जो है वो निकल जाएगा, हमें संभल के रहना है। तो कुछ लोग बोले साधु जी बराबर भी बोल रहे, बात सही भी कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे नहीं नहीं यहाँ कुछ बचा नहीं है, हमको कुछ नहीं होने वाला है, हम यहाँ से जाना ही जाना है, मतलब हर इंसान का सोचने का जो पावर रहता है वो कुदरत ने उसको दिया हुआ जो बुद्धि दी हुई है वो इसके हिसाब से यूज करता है और उसके वर्ड्स उसको उसकी उसकी जो क्या बोलते हैं उसको फियर बोलते हैं, उसको डर बोलते हैं, उसके हिसाब से उसके शब्द निकलते हैं। इसके लिए कुछ लोग छोड़ के जाना चाहते थे और कुछ लोगों को अंदर पेशेंस था, कुछ लोगों के अंदर थोड़ा धैर्य था, कुछ लोगों के अंदर थोड़ी क्षमता थी समझने की, वो रुकना चाहते थे। तो पंडित जी ने बोला आप लोग अगर रुक जाते हैं तो मैं यहाँ पे एक हवन कर लूंगा और उस हवन की मुझे थोड़ी बहुत सामग्री लगेगी और वो सामग्री सिर्फ मुझे दूध लगेगा, बस अगर आप दूध की सभी लोग सभी घर के अंदर से अगर मुझे एक एक बाल्टी दूध लेके अगर हवन के और मैं लेके आ जाते हैं तो मैं इस घटना को संभलने में कुदरत से माफी मांगने में और कुदरत को इशारा करके मतलब कुदरत से जो बात करके इस घटना को वापस टेबल करना है, भगवान से प्रार्थना करके हम उस हवन के माध्यम से हम विश्वास के साथ में हम ये कार्य करेंगे तो भगवान भी हमारी ये बात जरूर सुनेगा, लेकिन शर्त यही है कि मुझे हर एक के घर से कम एक बाल्टी जो है एक बकेट जो है वो मुझे जो है दूध का चाहिए। डेफिनेटली कुछ लोगों ने जो रहना चाहते थे उन लोगों ने कहा कि ठीक है हम सुबह 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 जो मुहूर्त है ज्ञान जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त है सुबह का 4 बजे का मुहूर्त जो है उसके अंदर हम हवन में आ जाएंगे और हम दूध अर्पित कर लेंगे हवन में। तो बस साधु ने एक कुंड बनाया, एक छोटा सा कुंड बनाया कुंड, और सुबह सुबह लोग बाल्टी भर भर के सुबह सुबह के प्रातः काल में लोग बाल्टी भर भर के लेके आए और उस कुंड में सारा जो दूध था जो वो लेके आए थे वो उन्होंने डालना चालू कर दिया और घर में वापसी हो गए। कुछ लोग बैठे रहे वहीं पे और कुछ लोग वापसी हो गए, तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा, लोग आते गए प्रातः काल में और 15-20 मिनट में वो कुंड जो था वो धीरे धीरे फुल हो गया। उसके बाद जब पंडित जी आए, जब उन्होंने उस कुंड को देखा, उस जगह को देखा, कुंड में जो भरा हुआ जो चीज देखा उन्होंने, पंडित जी भड़क गए, बोले कि इस गांव का कोई भी भला नहीं हो सकता, उसमें से गांव वाले बोले अरे पंडित जी आप तो कल बोल रहे थे कि अगर हवन कर देंगे तो सारी चीजें शांत हो जाएगी, हमारी जो जिंदगी है वो बराबर से पटरी पे आ जाएगी, लेकिन आप अभी ये कह रहे हो कि अभी इस गांव का कुछ नहीं हो सकता, हमने तो सभी लोगों ने जो आपने कहा वो हमने कर दिया। पता है क्या गलती हुई, उन गांव वालों ने सभी ने घर घर से बाल्टी बकेट भर भर के वहां पे जो है वो क्या डाला होगा, आप सोच सकते हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सबने दूध डाला होगा, नहीं, सभी के मन में एक विचार आया कि सारे गांव वाले तो दूध लेके आने वाले हैं, ठीक है ना, तो मैं दूध की जगह उस पानी लेके चला जाऊं, तो इतने सारे दूध के अंदर अगर पानी तो एक बाल्टी आ भी जाती है तो क्या फर्क गिरने वाला, पूरे दूध सारे गांव तो दूध लेके आने वाले हैं, लेकिन मैं यानी गांव वाला कोई भी एक व्यक्ति, उसके मन के अंदर ये विचार आया कि अगर मैं एक बकेट दूध लेने की जगह पानी लेके चला जाता हूँ तो कौन मुझे देखेगा, मैं डाल के आ जाऊंगा, मेरा दूध बच जाएगा और दूध के अंदर पानी अगर होगा तो इतने सारे दूध लेके आने वाले तो कोई फर्क गिरेगा नहीं। इसी तरह गांव के अंदर में सभी ने इस तरह से विचार किया और सभी ने दूध की जगह क्या लेके आए,
पानी लेके आए और वो पानी डाल दिया। पंडित भड़क गया कि गांव का कोई उद्धार नहीं हो सकता। जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वहां पे आपका माइंडसेट काम चलता है, आपका हार्डवर्क नहीं चलता है, आपका माइंडसेट चल। जो आप कमांड देते हो अपने आप को, जो आप एक्सेप्ट करते हो और उसको उसको आउटपुट करते हो, उसका रिजल्ट आता है। बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन। अभी वो रिएक्शन कैसा होगा, सेम होगा, ऑपोजिट होगा, कैसा भी होगा, लेकिन रिएक्शन जरूर आपको वैसा मिलेगा जैसा आप सोचोगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे मेरा पहला पॉइंट है विनिंग पॉइंट्स। अगर लाइफ में हमको विनिंग पॉइंट्स हमको चाहिए तो ये सारे बेसिक चीजें हमको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तभी हम विनिंग पॉइंट्स को समझ पाएंगे, तभी हम विनिंग हम विनर बनेंगे या हम लोगों को विनर बनाने में मदद कर पाएंगे। तो देखिए सबसे मैंने पहला पॉइंट्स लिखा है विनिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप टू स्टेप जो है बताऊंगा। तो इस कहानी से क्या साबित होता है, गलती किसकी थी, गलती उस सोच की थी। मैं उस इंसान की नहीं बोलूंगा, उस गलती उस सोच की थी जो उस इंसान के माइंड सेट में आई कि मुझे वहां पे दूध नहीं डालना है, वहां पे मैं पानी डाल दूंगा। क्योंकि सारी दुनिया तो यही करने वाली है। आज पूरे विश्व के अंदर सिर्फ 3% लोग जो सक्सेस है ना बिकॉज ऑफ देयर माइंड सेट, पॉजिटिव माइंड सेट, उनके काम करने के तरीके, उनका पेशेंस और उनका 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 विश्वास और उनका धैर्य और उनका जो कमिटमेंट होता है कि ये चीज करना है तो ये ही चीज करना, ये तभी सक्सेस की ओर होता है। अगर उस गांव के लोगों ने एक सम्मान में सारे लोगों ने दूध लाया होता, पंडित भी खुश होता, वो अपना पूजा पाठ करता, हवन करता और हो सकता था कि सारा गांव जब बैलेंस में आ जाता, सारी व्यवस्थाएं जब बैलेंस धीरे धीरे हो जाती, सारे गए हुए जो लोग थे वो वापिस दोबारा आ जाते और वो गांव वापिस से खिलता था और आगे बढ़ता था। डेफिनेटली हमारे परिवार के साथ ये होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये होता है, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ ये होता है, और चाहे कोई भी सेक्टर या परिवार या सोसाइटी या कहीं पे भी कोई भी काम के अंदर ये चीज रोल जरूर 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 करती है। डेफिनेटली हम बात करेंगे हमारे आज के पॉइंट्स के ऊपर। ये छोटी सी कहानी थी, आपको ध्यान रखना है कभी भी कोई कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर आपको दूध बोला है तो दूध लेना है और पानी बोला है तो पानी लेना है। ये चीज अगर आप सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना मैं जो सिखाने वाला हूँ, ये इसी स्टोरी के अंदर जो है वो शामिल है। मैं इसके साथ में आपको एक दूसरी स्टोरी भी शेयर करता हूँ। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक्सेप्ट तो कर लेंगे लेकिन उसको अमल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अमल करने के लिए मैं बात करता हूँ कि एक शिल्पकार था, देयर वॉज वन स्कल्पचर, मतलब जो मूर्ति बनाता है, मतलब द पर्सन हु मेक्स द स्टैच्यू, ओके, एनी स्टैच्यू। वो जंगल की ओर जा रहा था, द स्कल्पचर वॉज मूविंग ऑन अ वे टू जंगल, ओके। उसने देखा कि कुछ पत्थर पड़े हुए, ही वॉच सम स्टोन्स लाइंग ऑन द जंगल, ही सॉ द सम स्टोन्स वेयर देयर। तो उसने उस स्टोन को, पत्थर को पूछा, हे पत्थर, तू बहुत खूबसूरत है, तेरा आकार जो है मैं उसको बदल सकता हूं। आज द स्टोन, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, आई कैन चेंज यू, आई कैन मॉडिफाई यू, आई कैन मेक यू वन स्टैच्यू, मैं आपको एक नए स्वरूप में डाल सकता हूं, आपको शेप दे सकता हूं, आपको आकार दे सकता हूं। उस पत्थर ने बोला कि भाई मुझे नहीं बदलना, मुझे चेंज नहीं होना, मैं जहां हूं वहां ठीक हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं चाहिए, आप आगे बढ़िए, मैं जहां हूं मैं वहीं ठीक हूं। स्कल्पचर जो मूर्तिकार था वो बोला ठीक है, आपकी मर्जी, मैं तो चाहता था कि आप मेरे अंदर जो गुण है वो शायद आपको मैं दे दूं और आपको एक स्वरूप दे दूं जिससे शायद आपका भी कोई फायदा हो, लेकिन वो नहीं चाहता था, वो आगे बढ़ गया। उसकी कला थी, उसकी कला का उसको ज्ञान था, उसकी कला का उसको एहसास था, तो और आगे बढ़ गया। He moved ahead because the stone said, "No, I do not want to change. मैं
I can't change because I am happy in my life. I enjoy there only. I do not want to change. I do not want to take any pain. I do not want to hurt myself. So better you go from here. I am not ready to accept your way to do that. So sculpture आगे बढ़ गया और मूर्तिकारक आगे बढ़ गया. उसने जस्ट थोड़ा आगे गया, उसको और एक पत्थर देखा और एक स्टोन देखा. The sculpture went ahead. He watched one stone again. He saw one stone again. He repeated that words to him also. I can change your shape. I can change your. I can modify you. I can make you a beautiful statue. So people will appreciate you. You have to just take a small pain. मतलब आपको वो पत्थर दूसरे पत्थर को उसने जब जाके बोला कि आप अगर बदलना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको कष्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पेन होगा, लेकिन आप जो है ना, आप एक स्टैचू के रूप में बन जाओगे तो लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे. दूसरा पत्थर भी बोलता है, माफ कर दो भाई, आप आगे जाओ, मुझे कोई दर्द नहीं लेना, मुझे कोई सहन नहीं करना, मैं जहां हूं वहां ठीक हूं. सो अगेन द स्कल्पचर ही हैज हिज ओन टैलेंट, ही मूव अहेड, वो आगे चला गया. उसने तीसरे पत्थर को पूछा, यू आर मोस्ट ब्यूटिफुल, डू यू लाइक टू चेंज. तीसरे पत्थर को पूछा कि क्या आप बदलना चाहते हो, मैं आपको एक मूर्ति का आकार दूंगा, थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा, थोड़ी सी परेशानी होगी, और अगर उसको आपने समझ लिया, झेल लिया, एक्सेप्ट कर लिया तो आप एक मूर्ति के रूप में बन जाओगे, तो लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे. उस पत्थर ने सोचा कि अगर ये कुछ कर, ऐसे भी मैं निर्जीव हूं, मैं मेरा कुछ हो नहीं सकता, मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, और मैं अगर कुछ बन सकता हूँ और मेरा कुछ काम किसी और को भी के लिए भी हो सकता है, या मेरे लिए भी हो सकता है, औरों के लिए भी हो सकता है, डेफिनेटली आई विल ट्राई, क्योंकि कुछ कुछ पाने के लिए कुछ पेन लेना बहुत जरूरी है, दर्द लेना बहुत जरूरी है. सो द स्कल्पचर टोल्ड द थर्ड स्टोन, If you are ready to modify yourself, I will make you a statue. I can design you a very good model statue. And the people will come. People will take your blessings. People will appreciate you. So the third stone saying, it is very beautiful. If you are going to change me, if you are trying on me, I will accept the pain. I will accept the things you are going to do that. Okay, so I am ready. वो पत्थर रेडी हो गया, वो स्टोन जो था, पत्थर जो था, वो तैयार हो गया. वो जो मूर्तिकारक था, the sculptor was also happy, क्योंकि उसको दो जन ने ना बोला लेकिन तीसरे ने हाँ बोला. डेफिनेटली लाइफ के साथ यही होता है और होगा. उसने हाँ बोल दिया, उसने मूर्ति बनाना चालू कर दिया. The sculptor started the stone to curve it, to make, to design it in a statue. So the process started. कुछ दिनों के बाद वो एक मूर्ति में बदल गया. After few days, it has become a statue. मूर्तिकारक उस स्टैचू को वहीं छोड़ के आगे की ओर बढ़ गया, और पत्थरों से पूछते पूछते और आगे बढ़ते गया. The person, the sculptor move ahead after making him a third stone, the statue, he move ahead. After some days, कुछ दिनों के बाद वहां जंगल से कुछ और लोग गुजरते हुए दिखाई दिए. उन्होंने उस मूर्ति को देखा जो वहां पे रखी हुई थी. कुछ लोगों को लगा, यार ये तो भगवान, ये तो देवता है, ये मूर्ति यहाँ से कैसे प्रकट हो गई, ये यहाँ कैसे आई. उन्होंने सम्मान से उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रख दिया. द पर्सन पासिंग बाय द जंगल सॉ दैट स्टैच्यू लाइंग ओवर देयर, दे कैप्ट दैट स्टैच्यू नियर बाय वन ट्री. सो And they started praying, they started taking blessings, they started doing aarti, they started doing all puja and everything. And they, वहाँ से लोग गुजरते गए और उस मूर्ति के ऊपर फूल चलाने चढ़ाने लग गए और पूजा पाठ करने लग गए. लोग गुजरते थे वहां से और लोग बस उसको उसकी उसका आशीर्वाद लेते थे वहां से. धीरे धीरे वहां पे छोटा मंदिर बन गया. वहां पे स्लोली स्लोली देयर दे डेवलप एंड स्मॉल टेम्पल of that statue. Then it has converted little big temple after few months and few years. थोड़े ही दिनों में कुछ थोड़े ही महीनों में कुछ सालों के अंदर
वहां पे एक छोटे मंदिर से थोड़ा मंदिर बन गया, बड़ा मंदिर बन गया। उसके बाद लोगों की भीड़ संख्या में आने लगी, पीछे से आने लगी, और वो बड़ा तीर्थ स्थल बन गया। मतलब दैट स्टैच्यू लाइंग ऑन द ग्राउंड, इट हैज बीन कैप्ट नियर द ट्री, देन अ स्मॉल टेम्पल वॉज बीन डेवलप्ड बाय द पब्लिक पासिंग ओवर देयर एंड द विलेजर्स। After that, it has converted to big temple over there. So people were passing over there, taking blessings of that statue. Do you know what happened to that stones who had said, "No, I do not want to change"? आपको पता है कि लोग वहाँ पे आते गए और लोगों के लोगों ने उस मूर्ति से प्रार्थना की, लोग दर्शन करने आते, पूजा पाठ करते, हवन करते, सब चीज होने लगा। वहाँ पे जितने लोग आते थे, पता है उस मूर्ति के मूर्ति को देख के लोग खुश हो जाते थे, क्योंकि उसका आकार बदल गया था। अगर उस पत्थर के आकार में रहता, चाहे मूर्ति उसके अंदर भी छुपी हुई रहती, लेकिन लोग नजरअंदाज करते उन पत्थरों के साथ जिन्होंने मना किया, उनके साथ क्या हुआ पता है? उनके ऊपर वही नारियल फूटे, जो लोग वहां से आ रहे थे उसी पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ के जा रहे थे, और उस मूर्ति को वो लोग अपनी अपनी आस्था, अपने भगवान समझ रहे थे। दोस्तों, ये वही लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सही समय पे मिलती है, लेकिन वो पत्थर बने रहते हैं। उनको थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा दर्द सहने की ताकत नहीं होती है, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी माइंड में चलती है। उनकी माइंड में क्या चलती है? एस्ट्रोलॉजी। द पर्सन हु रिएक्ट्स, द टू स्टोन हु रिएक्टेड नेगेटिवली दैट दे डू नॉट वांट टू चेंज because they are happy where they are, but a third stone said, "I want to change." What happened? The people came and dropped that coconut on that stone. They dropped that coconut on that stone. The stones were three, there were lying three or four or five, many multiple of stones over there, but they had got the opportunity. The two said no, the one said yes. So he was the statue. Now, अभी जिसने मना कर दिया उसके सर पे तो पत्थर फूट रहे हैं, और हमारे जो बिजनेस के प्रोग्राम के अंदर है, ठीक है ना, उसके साथ में भी ऐसा ही होता है। कोई भी बिजनेस को ले लो, उसके साथ भी ऐसा ही होता है कि लोग क्या कर देते हैं, मना कर लेते हैं, और हम निराश हो जाते हैं कि यार इसने मना कर दिया, ये मना क्यों करता है, क्या कमी है इसमें, कमी है हमारे में, कमी है समझाने में, सिस्टम में कमी है, प्रोग्राम में कमी है, अपॉर्चुनिटी में कमी है, क्या उस इंसान में कमी है? कमी किसी में नहीं, कमी माइंडसेट की है, क्योंकि इंसान पूरी तरह समझना नहीं चाहता और अपने आप को अपॉर्चुनिटी के अंदर खोलना नहीं चाहता। क्यों? इतने साल से जो चीज उसने किया हुआ है ना, वो माइंडसेट में बैठ गया। अगर एक जेल में गया हुआ इंसान, उसको 10 साल अंदर कैद करके रखो, जब उसको छोड़ा जाएगा बाहर की दुनिया में ना, वो 2 दिन में वापिस आ जाएगा, भाई मेरे को है ना इधर ही रहने दो, मेरे को ये बाहर की दुनिया रास नहीं आ रही, क्योंकि 10 साल का एनवायरमेंट उसको ट्रिगर कर गया है, तो उसको वही लाइफस्टाइल चाहिए 10 साल वाली जो पहले की थी। इसलिए वो नई दुनिया में जो उसको जाने देने के लिए अलाउ किया जा रहा था, उसको एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, उसको पच नहीं रहा था कि भाई ये बाहर की दुनिया मेरे लायक नहीं जम रही है, मुझे ये नहीं। तो कुछ समय देना पड़ता है अपने आप को बदलने के लिए, अच्छे काम के लिए बदलने के लिए अपने आप को समय देना पड़ता। मेरी ये थोड़ी सी 2 स्टोरी थी, ये स्टोरी का मकसद यही था कि इन दोनों स्टोरी को समझ लीजिए, इन दोनों स्टोरी को आपको आपके लाइफ के साथ अपनाना जरूरी है, तो आप विनिंग पॉइंट्स के अंदर आ सकते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है, जो आपको मैसेज में मिला हुआ है, वो विनिंग पॉइंट्स में आ सकते हैं। अभी दूसरी बात मैंने बोली माइंडसेट की, माइंडसेट, ये माइंडसेट पूरा रोल करता है आपके करियर को, पूरा रोल करता है आपके करियर को। आपको अगर मिट्टी भी बेचनी हो ना, आप बेच सकते हो, लेकिन वो पूरा माइंडसेट के ऊपर है। यहाँ पे आपके पास जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हर चीज के अंदर है ना, लोग उसकी कमियां क्या है पहला वो निकालने की कोशिश करते हैं, उसकी अच्छाइयां जो है ना वो नहीं निकालते, ठीक है ना। आप जब मोबाइल लेने जाते हो शॉप पे, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? सबसे पहले आप देखते हो कि इसके फीचर्स क्या है, ठीक है ना। सारे फीचर्स, मैं फीचर्स के नाम नहीं लूंगा, XYZ जो भी है, आप फीचर्स देखते हो, ठीक है ना। उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स क्या है वो थोड़ा आप देखते हो। आपको कोई भी फोन के अंदर 100% सेटिस्फेक्शन
नहीं मिलेगा, उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी आएगी, 100% कुछ ना कुछ कमियां रहेगी रहेगी, फिर भी आप उस फोन को आप एक्सेप्ट करते हो क्योंकि उसके फीचर्स आपको अच्छे लगे, ना कि उसके जो फीचर्स उसके अंदर नहीं है, चाहे वो काम के हो नहीं है, लेकिन उसको वो चीज नहीं मिल रही आपको, तो आपने उसको निगलेक्ट किया, आपने उस फीचर्स को एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह जब जब हम पढ़ाई करने जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो हम स्कूल को देखते हैं कि इस स्कूल की पढ़ाई कैसी है, अच्छे रिजल्ट से, अच्छे टीचर्स है, अच्छे मतलब वहाँ पे नीट एंड क्लीनिनेस काफी है, पढ़ाई अच्छी बहुत की जाती है, वहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है, मतलब सारी चीजें आप फीचर्स को देखते हो। लेकिन एक कोई आपको नेगेटिव पर्सन उसके अंदर मिल गया बताने वाला कि ये स्कूल ने तो मेरी टीचर, उसकी टीचर ने तो इसको इतना मारा कि हमको तो स्कूल छोड़नी पड़ी। एक छोटा सा पॉइंट, चाहे गलती पता नहीं क्या हो क्या नहीं, लेकिन एक छोटी सी नेगेटिव पूरे सिस्टम को एक सेकंड में स्पॉइल कर देती है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है हमारे लाइफ, हमारे बिजनेस और हमारे करियर के साथ। लेकिन आप पूरी एनालिसिस करके अगर आप रिपोर्ट नहीं समझोगे, नहीं दोगे, तो आपके लाइफ में सक्सेस रुक जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको खुद को समझनी है कि जो चीज सीखनी है उसको पूरी तरह सीखनी है, उसको अपना राय नहीं देना। आप मिस्टर और मिसिस राय मत बनिए, बहुत लोग है ना मिस्टर एंड मिसिस राय बन जाते, मतलब नॉलेज उनको कुछ नहीं, मतलब एक होता है ना पेट में दर्द है और वकील से पूछ लिया कि भाई मेरे पेट में रोज बहुत दर्द होता है, बताओ ना कोई डॉक्टर है क्या, कभी तो वकील क्या बताएगा डॉक्टर कौन सा है, वो बोलेगा तुम्हारा कोई लफड़ा हो तो मेरे को बताओ, मैं वो सॉल्व करूंगा। और वकील डॉक्टर के पास जाके बोलता है तुम्हारे पास कोई अच्छा वकील है तो बताओ, मेरा यार केस लड़ना है, तो फिर डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेगा कि तुम्हारे पीछे वो वकील भेजेगा। तो सोचो यार, आप जिसका सब्जेक्ट है उसी से बात करें, जो आपको सिखाने आपका मेंटर है, आपका गुरु है, आपका आप जिसको फॉलो करते हो, ठीक है ना, उसको आप फॉलो कीजिए, तो आपको सक्सेस के कदम जो है ना वो आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये पॉइंट हो गया आपका माइंडसेट के ऊपर, ये मैंने एरोन कर दिया है पॉजिटिव। लाइफ में नेगेटिव चीज भी होती है ना, उसको पॉजिटिव एंगल से देखो, क्योंकि हर चीज को पहली नजर में ना जब हम देखते हैं ना तो क्वेश्चन मार्क आता है, और सबसे पहले उसकी पॉजिटिव फीचर्स को देखने से पहला हमें नेगेटिव फीचर्स दिखने लग जाते हैं, इमेज हमारा प्रिंट हो जाता है। ये इमेज क्यों प्रिंट होता है मालूम है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है ना वो सारी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, जब तक उसको क्लियर नहीं, उसको वाइप आउट नहीं करोगे ना, उसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि डिटॉक्सिफाई, मतलब पूरे क्लीन नहीं करोगे ना, वो वायरस चिपका रहेगा जिंदगी भर, और आप जिंदगी में कोई भी बिजनेस करने करोगे भी लेकिन आपको वो चीज तकलीफ जरूर देगी। तो ये चीज के ना पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, और चाहे कोई भी बड़ी घटना हमारे सामने दिखती हो ना, उसको स्माइल से उसको एक्सेप्ट करो, यस नो प्रॉब्लम, इट विल बी सॉल्व, क्योंकि जो वक्त खराब आता है वो अपने आप निकल जाता है। मैं आगे आपको उसके बारे में बताऊंगा। ट्रस्ट एंड फेथ रखना बहुत जरूरी है। आपको चीजों को पहचानना है, आपको समझना है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसके अंदर सच्चाई कितनी है, फेथ कितना है, वो आपको पहचानना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट एंड फेथ रखना पड़ता है, उसको बोलने से पहले ही नहीं ये वो ऐसा है, वो वैसा है, ये वो है, वो ये सुनना ही नहीं चाहेंगे आपको, है ना। तो ट्रस्ट एंड फेथ ये हमको हमारे अंदर डेवलप करना है, दूसरे क्या कर रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचना है, वो क्या सोच रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो अलग है, नो प्रॉब्लम, अपने आप को बदलो, मतलब चेंज योरसेल्फ टू चेंज अदर्स, वी कांट चेंज अदर्स। मैं आपको बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ थॉट प्रोसेस आपको दे सकता हूँ, जहां उसको आप अपनाएंगे तो आपके अंदर बदलाव आ जाएगा, और आपके बदलाव को देख के शायद लोग आपको कमेंट करेंगे कि पहले ऐसा था आज कैसा हो गया, मतलब उसके अंदर भी नेगेटिविटी आती है कि भाई ये कल तक पूरा ऐसा था और आज पता नहीं एकदम अलग बन गया है, मतलब ये मतलब लोगों के अंदर ये चीज है, लोग आपके अंदर आपको देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, वो उनकी खुद की चिंता नहीं रहती है, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना उसका फोकस बराबर लगा पड़ा रहता है आपके ऊपर, ठीक है ना, वो वॉच करते रहते हैं आपको कि भाई आप क्या कर रहे हो। ये मेरे साथ भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है, मुझे मालूम है मेरे सर्कल के अंदर, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर ये सारे वॉच करते रहते हैं, अरे परम आज तू इधर गया हुआ है, आज इसका ये प्रोग्राम है, आज वो वैसा है, आज अरे तू ये सब करते रहता है, ये इतना ऐसा करते रहता है, कैसा चल रहा है, मतलब वो इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन वो खबर रखते न्यूज चैनल की तरह, रिपोर्टिंग की तरह, लेकिन अपने आप में है ना वो कभी आगे नहीं बढ़ते। यार हमारे हम भी कुछ कर सकते हैं क्या, हम भी आगे बढ़ सकते हैं क्या,
हम भी कुछ तुम्हारे जैसे साथ में सीख के हम कुछ और कार्य कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली ये कुछ कम लोगों के अंदर ही ये क्वालिटी होती है, हर एक इंसान के अंदर नहीं होती है, और ये गॉड गिफ्ट है, तो इसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम सिखा सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देखो मार्केट एंड कॉम्पिटिशन, ये एक सिंपल वर्ड है, ये पूरी मार्केट है, इसके अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन है। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो आप, मैं बोलूं 99% लोग जो जॉब जो 99% मतलब 100% जो जॉब करते हुए लोग है, 99% है ना वो चिड़चिड़े है, मतलब चिड़चिड़े मतलब वो जॉब से परेशान है। ठीक है ना, क्यों? जो गवर्नमेंट सेक्टर में थे उनको तो अभी चाबी बराबर से लग गई है काम की, ठीक है, तो सिग्नेचर करके पैसा ले रहे थे। ठीक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे लोग है जो मतलब लाइफ में कुछ बोले ना आराम की जिंदगी जीना चाहते, कुछ करना नहीं है उनको, बैठे बैठे कुछ सब मिले। ठीक है ना, ये मानसिकता हो गई है। अच्छे लोग भी है, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको फ्रंट में लाने का, करियर बनाने का है ना, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही, या प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि जिसको मौका आसानी से मिलता है वो उसकी कदर नहीं करता है। आप देखो हम बड़े बड़े स्टार्स की बात करेंगे, उन्होंने स्ट्रगल्स किए, बहुत स्ट्रगल, बहुत सारी लाइनें लगा के उन्होंने कहीं रास्ते पे रह के कहीं पे भी कुछ खाया पिया नहीं हो गया, और स्ट्रगल किया और आज फिल्म्स के हीरो बन गए, हीरोइन बन गई है, बहुत सारी घटनाएं हुई है। आप क्रिकेट के खिलाड़ी को देखो, क्या क्रिकेट का खिलाड़ी एक ही दिन के अंदर वो ग्राउंड पे उसको एडमिट कर लिया कि आके तुम बहुत अच्छा खेलते हो, लोकल ग्राउंड में 4-6 मारते हो, आ जाओ तुमको हम इंडिया की टीम में या इंटरनेशनल टीम में, आईपीएल में या इंटरनेशनल इसके अंदर हम आपको शामिल करते। नहीं, कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितनी प्रैक्टिस लगती है, कितनी प्रैक्टिस लगती है, तब जाके उनको एक स्टेज मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां अपना करियर, अपना फेम, अपना नेम, अपनी गुडविल वो जो है बना सकते, कर सकते। आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी, हर एक के बस में ये होता भी नहीं है। ठीक है, तो आप देखो इतने बड़े खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, लोगों की उम्मीद में ये 6 और 4 ही मारना चाहिए, उम्मीद से जब वो क्रिकेट देखते हैं, जब मान लो वो प्लेयर, बैट्समैन में नाम नहीं लूंगा कोई भी हो, वो प्लेयर बैटिंग कर रहा है, ये अभी 6 मारेगा, पता चला वो 6 मारने गया और आउट हो गया, अरे यार इसको ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, इसने गलत तरीके से बैट पकड़ा था, इसको ऐसा नहीं खेलना, उसको वो खड़ा रहने का पोजिशन ही गलत था, या तो ये कैप्टन ने उसको पहला नहीं भेजना चाहिए था, वो सेकंड वाले को पहला भेजना था। ये कौन है? मिस्टर एंड मिसिस राय, जिनको बहुत ज्ञान है, जिनको बहुत नॉलेज है, यहाँ पे घर में बनियान पहन के, हर चड्डी पहन के है, ये ज्ञान देते हैं, बहुत नॉलेज देते, इनको बहुत नॉलेज है घर में बैठ के ज्ञान की बातें करना, और वो जो खेल रहा है खिलाड़ी, वो विनर होता है तब उसकी तारीफ होती है, और जब वो 0 पे आउट हो जाता है तो बोलते पागल है, गधा है, उसको खेलने को नहीं आता, होता है ना। तो क्या वो आपकी आपकी बातों से उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया? क्या उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म छोड़ दिया? ऐसे तो हजारों बोलने वाले जो भी है, जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से नेगेटिव फेंकते हैं या कमेंट्स करते हैं, बहुत है, आपके साथ भी होंगे, मेरे साथ भी बहुत है। आप ये देखना, ये वीडियो जब लाइव हो जाएगा, डेफिनेटली 1, 2, 4, 5 अनलाइक मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये कुदरत का नियम है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज नहीं होती है ना, ओनली पॉजिटिव ही रहेगा तो वो सक्सेस नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जेलस भी होना चाहिए, ये भी पता चलना चाहिए कि हमारे पीछे कोई वॉच करने वाले लोग भी है जो जेलस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, तो कभी भी ये ध्यान रखिए कि जो क्रिकेट खेलने वाला बंदा है वो 0 पे आउट हो गया, लेकिन उसने लाखों की प्रैक्टिस, मतलब लाखों रुपए खर्चा करके या दिन रात उसने प्रैक्टिस करके उसने मेहनत की है, और वो 0 पे भी आउट हो सकता है, लेकिन उसने क्रिकेट कभी नहीं छोड़ी, उसने अपना प्लेटफॉर्म कभी नहीं छोड़ा, वो और प्रैक्टिस करते गया, अपने आप में अंदर और इम्प्रूवमेंट करते गया। इसी तरह हमारे बिजनेस में भी, कि आप 0 पे आउट हो गए, लॉकडाउन की सिचुएशन में सबके बिजनेस जो है फ्लॉप डाउन है, अच्छे अच्छे करोड़पति के बिजनेस फ्लॉप डाउन पे। मैं आपको बोलूं, मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो आज के टाइम में मसाला पापड़ बेच रहे, ये हकीकत बोल रहा हूँ। एक मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे एक डॉक्टर है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो एक ठेले के ऊपर चाय बेचने पे मजबूर हो गया। शर्म किसी की नहीं, कोई काम शर्म वाला नहीं होता है,
रोजी रोटी के लिए कोई भी काम शर्म वाला नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं खुद मेरे सारे काम कर लेता हूँ, मैं इंडिविजुअल मेरे काम खुद कर लेता हूँ, चाहे घर में कोई करे ना करे। एक बात बोल रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। चाहे मैं किसी के घर में भी जाऊं, एक परिवार की तरह जाके मैं उधर भी काम करने लगता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं। वहां पे हमें ढालना पड़ता है, क्योंकि ये लाइफ है, ये लॉ ऑफ नेचर ने ना बहुत सारी चीजें हमें दी है, बहुत सारी हमें हमारे माइंड माइंड को ट्रेन करने के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग अंदर बाय बिल्ट ही है, उसको खाली एग्जीक्यूट करना। जब आप ये करोगे तो आप लाइफ के अंदर बदलाव देखोगे। लोग सिर्फ है ना पैसे के पीछे भागते, लोग जो है वो सिर्फ मनी के पीछे भागते, पैसे के पीछे भागो भागो भागो, इतनी दौड़ लगाओ, पता नहीं वो उस चक्कर के अंदर पता नहीं इतना बड़ा बिल बन जाता है उनको हॉस्पिटल का, कि वो पैसे के पीछे भागे थे तो पैसा तो नहीं आया लेकिन हॉस्पिटल का बिल आ गया। या तो उन्होंने तो इतना टेंशन हो जाता है, उनको स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो उसके पीछे पड़े थे, जो चीज उनको मिली नहीं और वो पता चला उनका लंबा चौड़ा बिल आ गया, या और घटना हो गई और ऐसा हो गया। तो लेकिन बात यहाँ आती है, पैसा तो कमाना है, उसके लिए भागदौड़ तो करना पड़ेगा, तो क्यों ना स्मार्ट वर्क किया जाए, ऐसा कुछ काम, ऐसा कुछ कार्य किया जाए जो हमारा काम डिस्टर्ब ना हो, हमारी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, किसी से मैन्युपुलेशन ना हो, किसी से चीटिंग ना हो, कोई ऐसा कार्य मिले जिससे वजह से हम संतुष्ट हो जाए। लेकिन पेशेंस और धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कितने बड़े भी खिलाड़ी हो, ठीक है ना, जीरो पे आउट एक दिन होना है, ये तय करके रखो। आपने 100 रन मारे हैं, 200 रन मारे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जीरो भी होता है, तो जीरो को नेगेटिव में लेके चले गए आप, तो वापिस 100 रन जिंदगी में कभी नहीं मारते। ये चीज होती है, कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसे वर्ड्स ये है, ये आपको समझना है और आपको जो है अपनाना है। उसके बाद आता है, तो मैंने कहा था मार्केट एंड कंपटीशन के बारे में बात चल रही थी, कि आज के युग में इतना सारा कंपटीशन है, ठीक है ना। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं नेचुरोपैथी में डॉक्टर हूँ, मैं हीलिंग साइंस में डॉक्टर हूँ, मेरा 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने बहुत सारे लास्ट स्टेज के केसेस भी रिवर्स करने में मदद किया है, बहुत सारी चीजें हुई है। लेकिन लोग जब हॉस्पिटल से जो बीमार होते हैं या मेरे साथ कंसल्टिंग में आते हैं, तो वो बोलते हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे सारे खर्च हो गए, अभी हम इलाज कराए तो कैसे कराए। मतलब एक ऐसी चीज होती है कि इंसान थक जाता है खर्च करते करते, उसके पास पैसा ही नहीं बचा है, तो वो आगे कैसे बढ़े। तो मेरे पास ये सब्जेक्ट है ना बहुत ट्रिगर कर रहा था, कि मेरे को नॉलेज है, मुझे मेरी फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन लोगों के पास आज फाइनेंशियल जो पोजिशन है वो इतनी खराब हो चुकी है कि कहीं ना कहीं वो तरस रहे, कुछ उनको अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ ऐसा काम मिले, कुछ ऐसी जर्नी मिले जिनका उनका जो है वो लाइफ जो है वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ स्टेबल हो सके। जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तब वही बहाने आते हैं, यही चीज उनको पता नहीं, कुछ मिलने के बाद भी वो है आउट हो जाते हैं। तो कुदरत उनके साथ में, ऐसा नहीं बोलूंगा कि खिलवाड़ करते, कुदरत का इशारा वो है, क्योंकि ऊपर वाले ने ना वो बुद्धि तो दी है, सारे हमारे बॉडी के पुर्जे दिए, उसका कंट्रोल किसके हाथ में है, कुदरत के हाथ में, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अपने आप होता है, हमारे ऑर्गन्स अपने आप फंक्शन करते हैं, हमारे सारे बॉडी के जो पार्ट्स है, मतलब आईज, ईयर, नोज, माउथ, हैंड्स, फिंगर्स, जो भी है वो उसको मूवमेंट कौन देता है, हमारा ब्रेन से कमांड मिलता है। तो ऊपर वाले दो भगवान बोले कि भाई हमने लोगों को भेज तो दिया है नीचे, तो ये बुद्धि चलाने का कंट्रोल भी हमारे पास रखते हैं। तो ये दूसरा भगवान बोलता है नहीं, ये गलती कभी मत करना, इसका कंट्रोल हमारे पास लेंगे तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि अगर उसका बुद्धि का भी कंट्रोल हमारे पास रख दिया तो ये दुनिया नहीं चलेगी, इसलिए उनके बुद्धि का कंट्रोल लेना उनके ऊपर ही छोड़ दो, वो चाहे अपनी बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करे उसके ऊपर ही छोड़ दो, उसके कर्मों पर छोड़ दो, उसको पॉजिटिव में लेके चलना है उसको, वो बुद्धि तो उसको एक जैसी दी है लेकिन उसको चलाने की क्षमता इंसान के ऊपर छोड़ दी, तुमको कैसे चलाना है, रास्ता ऐसा है तो तुमको ऐसे चलाना, ऐसे चलाओ या ना ऐसे चलाओ, ये तुम अपने उस बुद्धि को उस इंसान के हाथ में छोड़ दिया। इसलिए ये बुद्धि जो है ना आपको डायरेक्शन देती है समझने की, कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें आप सही जगह पे करने लग गए तो आपका रोल जो है सक्सेस की ओर बढ़ सकता है, और अगर आपने उस चीज को अपनाया नहीं तो आप जहाँ पे है उस स्थिति में रहोगे या आप रिवर और उसी स्थिति को आप खराब भी कर सकते। तो ये पूरा माइंडसेट और एंड जो बुद्धि हमें ऊपर वाले ने ईश्वर ने दी है, सबको एक जैसी दी है, इस्तेमाल करने का फॉर्मूला कंट्रोल वो हमारे हाथ में दिया, अभी आप को कौन सिखाने वाला है, कौन
आपको एजुकेट करने वाला है, आपने कौन सी डिग्री ली है, कौन से आपके कोच, कौन से आपके टीचर ने आपको क्या सिखाया है, उसको आपने कितना एक्सेप्ट किया है, उसने कितना आपने अमल किया है, वो इम्पोर्टेंट है, तभी आप उस बुद्धि को यूटिलाइज कर सकते हैं और अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिशन हो रहा है जिससे सब परेशान है और हर इंसान कुछ ना कुछ चीज बेच रहा है, हर अपनी सुविधा अनुसार ये चीज बहुत अच्छी है ये ले लो, वो चीज बहुत अच्छी है ये ले लो। मार्केट में इतना सारा कंपटीशन होता है कि हम भी गुमराह हो जाते हैं कि इतनी सारी वैरायटी के अंदर हम 10 दुकानें भटकते हैं, फिर भी हमारी चॉइस जो होती है ना, नहीं यहाँ ठीक नहीं है, हम वो दुकान में जाते हैं, उस दुकान में गए, नहीं यहाँ ठीक नहीं है, हम उधर जाते हैं, ये करते 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 चॉइस इतनी बढ़ गई है कि हम सिलेक्टिव हो गए, बहुत चीजें सिलेक्टिव हो गई है, और हम जो है ना, जो दिखता है ना टीवी पे एड, उसमें ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं, उसपे इतने भ्रमित हो जाते हैं, और आपसे जेब से इतना पैसा निकाला जाता है कि पूछो नहीं कि आपका जेब, आप कितने कंगाल हो रहे। इस चीज को मैं अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि जो लोग जितने भी एडवर्टाइजमेंट, जो केमिकल बेच रहे हैं, जो भी चीज बेच रहे हैं, जो भी आपके साथ बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट से आपसे पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा पॉकेट जो जो मनी है ना, वो मिलियनर, कुछ एक दो चार पांच लोगों को मिलियनर्स बना रहा है और हमको गरीब बना रहा है, ये आप सोच के रखिए, ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, उस कंपटीशन में झूठ बोल के आपको, मतलब क्या कहे, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। देखो आपने मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां आई, ठीक है, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कंपनियां आई, बहुत सारे MLM प्रोग्राम्स आए, नेटवर्क मार्केटिंग आई, प्रोडक्ट बेस को लेके आई, ठीक है, बहुत सारी एक के पीछे कंपनियां आई, कुछ चालू कंपनियां आई, अपना पता नहीं डब्बा पाटली को भर भर के क्या चूरण बेचा पता नहीं, और लोगों को धंधे पे लगा दिया कि भाई ये बोतल बेचो इससे डायबिटीज ठीक हो जाता है, ये बोतल बेचो इससे आपका कैंसर निकल जाएगा, मतलब जिसको कोई ABCD का नॉलेज नहीं, डायबिटीज क्या होता है, कैंसर क्या होता है, वो डब्बा बाटली बेचने निकल चले। देखो कोई भी इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना रही है, तो अगर नेटवर्क इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्ट बना रही है तो बड़े लेवल पे जो बना रही है डेफिनेटली उनके सर्टिफिकेशन होंगे, उनके सारी चीज होंगे, लेकिन लोग उसको परचेस करने में इसलिए घबराते हैं क्योंकि उनकी प्राइस बहुत हाई होती है, लोग कॉमन पर्सन उसको परचेस नहीं कर पाता है और लोग उसको जबरदस्ती चिपकाने पे तुले हुए रहते हैं। तो जब इंसान के पास पैसे की आफत रहती है तो वो कितना प्रोडक्ट ले पाएगा, कितना खर्च कर पाएगा, एडिशनली उसका बजट बना हुआ रहता है तो कितनी सारी चीजें खरीदेगा अपने घर के लिए। मेरे घर पे अगर मैं स्टॉक बोलूं तो 10-15 हज़ार का प्रोडक्ट का जो स्टॉक्स है वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मैं रखता हूँ। क्यों मैं क्यों रखता हूँ मेरे लिए, क्योंकि मुझे मेरी हेल्थ की फिक्र है, मैं मेरी फैमिली की हेल्थ, लेकिन मेरी अगर फाइनेंशियल इनकम स्ट्रांग है तो मैं ये चीज खरीद, दुनिया की बेटर से बेटर चीज खरीद पाऊंगा। मैं क्यों ढूंढू कोई एक ही कंपनी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा मैं उसको ये करूँ, माइंड सेट करूँ। मैं ऐसा माइंड बना कि मुझे सोर्स ऑफ इनकम अगर अच्छी मेरी हो जाती है तो दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट मैं मेरे घर के अंदर मेरे कंजम्पशन के लिए मंगा सकता हूँ, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे वो कोई भी रिलेटेड हो, चाहे वो कहां से भी आया हो, सर्टिफाइड हो, सारी चीजें देखने के बाद महंगे से महंगा चीज मैं परचेस करने की पावर रख सकता हूँ जब मेरी फाइनेंशियल बैकअप बहुत अच्छी हो। तो बात आती है आखिर फाइनेंशियल बैकअप की, तो वो कहां से होगा, कैसे होगा, क्या सारी चीजें जिंदगी भर सेल्समैनशिप करके इंश्योरेंस कंपनी वाले इंश्योरेंस बेचते हैं, सेल्स एजेंट होते हैं, सेल्स ब्रोकर्स होते हैं, वो अपना जॉब करते हैं, कमीशन के लिए वो आपको पॉलिसीज बेचते हैं, मस्का लगाना पड़ता है, कितनी सारी चीजें करनी पड़ती है उनको, कितना फ्री, कितना सारा डिस्काउंट्स और कितनी सारी चीजें वो सब ये करना पड़ता है। ये काम बहुत अच्छा है लेकिन लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं कि एक टाइम आता है, रिसेशन आता है, जब बिजनेस नहीं मिलता, उस समय बिजनेस मिलता तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बिजनेस जब नहीं मिलता है तो यही इनकम लो डाउन हो जाती है और फिर से उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर से उसने बनाया हुआ उसने जितना कस्टमर्स है या वो नए कस्टमर्स के हो जाते, ये सारी चीजें होती रहेगी, होनी है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में ये सारे काम जो है ये इस तरह से होते ही रहते हैं और करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो कंपटीशन है। उसके बाद फ्यूचर ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन, मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिए आपको, फ्यूचर ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन, जो इंसान ट्रेंड के साथ चलता है, जो इंसान ट्रेंड के साथ चलता है वो हमेशा सक्सेस में जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ट्रेंड के साथ चलो और ट्रेंड के साथ में आप अगर चल गए, आप कुछ 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 ही वक्त के अंदर आपका सक्सेस आपको देखने को मिल सकता है, बस उसके अंदर आपका रहना बहुत जरूरी है, उसके अंदर आपका रहना, प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी है,
और वो प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जो आपको मैग्नेट की तरह जोड़ के रखे, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा और आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपका कोई बेनिफिट ही नहीं, ठीक है ना। तो मार्केट में आपको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड किसका है, और मैं ट्रेंड को तुरंत पहचानता हूँ, ट्रेंड क्या है ये तुरंत मेरे ध्यान में आ जाता है, क्योंकि एक इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद बहुत सारी चीजें जब सामने आती है तो मुझे एनालिसिस हो जाता है कि कितनी सारी चीजें गलत है। 99% टेक्नोलॉजी होता है और 1% उसमें से उभर के कोई जेन्युइन चीज हमारे सामने आती है, और उसको तराशने में, उसको समझने के लिए हमें बहुत पेशेंस चाहिए और हमें बहुत अपने आप पे कंट्रोल चाहिए। तो इसी के लिए मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म को मैंने क्यों चॉइस किया, ये इसका रीजन क्या है कि मैंने इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने सोचा कि यहाँ मेरा तो करियर तो है ही है, लेकिन मेरे माध्यम से कितने लोगों के घर में दिए जल सकते हैं, कितने लोगों के मैं किसी का लाइफ चेंज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ मार्ग बता सकता हूँ जिसके वजह से उनके घर में बदलाव आ जाए, दैट इज इट। क्योंकि मैं कोई ऐसा क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ कि मैं सब चीज कर रहा हूँ, मैं मतलब वैसा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं समाज सेवा करता हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। मैं अपने अंदर में मुझे जो मिला है, मैंने जो परिस्थितियां झेली हुई है या मैंने जिस जो महसूस किया हुआ लाइफ में, उससे कहीं खराब परिस्थिति में कुछ और लोग जिए होंगे, उससे कहीं खराब परिस्थितियों में लोग और गुजरे होंगे या हादसे हुए रहेंगे। मैं चाहता हूँ, ये मैं तो नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट कुछ मेरा सीखा हुआ अगर मैं लाइफ के अंदर मुझे चेंज आया, मुझे बदलाव आया है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मैं किसी को बताऊं जिसके वजह से उनके लाइफ के अंदर जो है वो चेंजेस आए, बदलाव। शर्त यही है, विश्वास पे ट्रस्ट, वो कहीं ना कहीं मेरे पे या उस प्लेटफॉर्म पे कोई भी बताने वाले व्यक्ति से उसको रखना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होना है। डेफिनेटली फ्यूचर ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन, आगे आने वाला जो युग है, ट्रेंड है, आगे आने वाला युग क्या, युग चालू हो चुका है, लोगों को मालूम नहीं है डिजिटल रेवोल्यूशन, आप उसके अंदर है ना, उस डिजिटल रेवोल्यूशन में आप गोल गोल घूम रहे हो, लेकिन इस आप गोल गोल घूम रहे हो ना, इसका सारी कमाई, इसका सारा पैसा है ना, वो लोग कमा रहे जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए, डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हुई है ना, वो सारे अब्जो रुपया कमा रही है, और आपको सिर्फ चक्रव्यूह में घुमाया जा रहा है। आप ऐसा कीजिए, आप गूगल पे से पेमेंट कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा, आप फोन पे से पेमेंट कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा, आप पेटीएम से पेमेंट कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा, आप हॉलीडे बुक करना चाहते हैं, आप बटन दबा दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। हम सर्विस ढूंढते हैं, हम क्या ढूंढते हैं, हम फैसिलिटी ढूंढते हैं कि भाई मेरा डिस्काउंट कब से ज्यादा मिले, मुझे फैसिलिटी कहाँ सबसे ज्यादा मिले। आप वहां खर्चा करना चाहते हो जहाँ आपको फैसिलिटी और आपको सर्विस मिलती है, मतलब आप खर्च तो करोगे ही करोगे, डेफिनेटली आप कमाते हो तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। तो ये आप ये सोचो कि आपका खर्चा, योर एक्सपेंडिचर, आपका खर्चा किसी की कमाई, योर एक्सपेंडिचर मीन somebody's इनकम, somebody's मीन्स कोई भी हो, व्यक्ति हुआ जो उस साइकिल के अंदर है, उस प्रोग्राम के अंदर है, पर्टिकुलर उस प्रोग्राम के अंदर है, तो डेफिनेटली जो वो साइकिल के अंदर है उस सभी को वो पैसा जो आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, वो चाहे 100 रुपए का हो, 1 रुपए का हो, 1000 रुपए का हो, 5000, 5 लाख रुपीज, आप जो भी चीज परचेस करते हो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर बन जाती है, और वो एक्सपेंडिचर किसी के लिए इनकम बन जाती है। अभी मैं आपको ऐसा बोलू, इफ योर एक्सपेंडिचर इज कन्वर्टेड इंटू योर इनकम, आपको कैसा लगेगा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम के रूप में वापिस आपको मिल जाए। आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है, मेरा खर्चा तो मेरा हो गया, मेरे को इनकम कैसे आएगी। अगेन माइंडसेट, आपने जो सोचा वही, आप नहीं करोगे, नहीं समझोगे तो आपको तो मिलना ही नहीं है, लेकिन ये थॉट मेरे साथ में करीबन नियर अबाउट 15 साल से 16 साल पहले मेरे पास आया था, और मैंने ये शब्द कहे थे कि देयर विल बी अ टाइम कमिंग टाइम कि योर एक्सपेंडिचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनकम। ये मैं रियलिटी बोल रहा हूँ कि ये थॉट्स मेरे उस समय इतने साल पहले आए थे। कुछ ऐसा प्रोग्राम करेंगे फ्यूचर के अंदर, ऐसा काम करेंगे कि हमारा खर्चा है वो, हमारा जो एक्सपेंडिचर है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनकम।
ये सोच मैंने भी रखी थी, मेरे दिमाग में भी आई थी, एग्जीक्यूट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, कहाँ पे होगी, कौन लाएगा, कैसे होगा, कैसे होगा, लेकिन विश्वास था अरे आज नहीं लेकिन ये ट्रेंड तो जरूर आएगा, ये होगा जरूर, क्योंकि जो सोचता हूँ वो पिक्चर में बना के जो मैंने ठान लिया वो मेरे सामने एक ना एक दिन आनी आनी है। और मैं थैंक्स कहूंगा जो इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाला हूँ आगे, उसके लिए धन्यवाद करूंगा कि ईश्वर ने वो चीज मेरी उस समय जो सुनी हुई थी वो आज कुछ महीनों पहले डिलीवर होके हमारे साथ में आ गई है। इसका मिरेकल्स मैं आपको मैं बात करूंगा। तो फ्यूचर ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन, आपको डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ कनेक्टेड रहना, क्यों, अगर आप इस युग के अंदर डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे, आपकी परिस्थिति, आपकी हालत, आपका सक्सेस, जहां आपकी लाइफ स्टाइल आप देख रहे हो ना उसी को देखो, 10 साल पहले क्या थी और आप आज आपकी लाइफ 10 साल बाद कितना बदलाव आया है और कितना बैंक बैलेंस आपके पास जमा है। अगर आपको लगता है कि आपका 10 साल के बाद और अभी का सीन टोटली चेंज हो गया, 100% चेंज हो, 100% सिक्योर हो गया है, आपके जनरेशन टू जनरेशन आपके सिक्योर है, आप मस्त लाइफ जी रहे हैं, आपका तिजोरी भरा हुआ है, आपका बैंक बैलेंस बहुत है, आपके काफी सारे इंश्योरेंस है, आपको कोई लाइफ में कोई कमी नहीं है, तो मैं माफी चाहूंगा आपको ये ट्रेनिंग या ये हिस्सा, ये पार्ट, ये बिजनेस, ये करियर शायद आपके लिए नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो 10 साल बाद आगे तरक्की करके आए हैं और वो बहुत आलीशान जिंदगी जी रहे हैं और उनके पास सारी चीजें वो आ गई, कुदरत की ने उनको सपोर्ट किया, उनकी मेहनत ने उनको ये मेहनत से उनको आगे पहुंचा दिया है। ऐसे कुछ व्यक्ति अगर 10 साल बाद ये सोचते नहीं, अगर मेरे माध्यम से कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां मैं किसी की और की मदद कर सकूं, कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मुझे शायद कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल जाता है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ऐसी जगह मिल जाती है जहां मैं लोगों के अंदर बदलाव ला सकता हूं, ऐसे व्यक्ति अगर हमारे सामने आ जाए और वो सिर्फ एजुकेशन लेके लोगों को एजुकेट करे, तो ये दुनिया के अंदर क्या कैसी रौनक, कैसी रोशनी हो जाएगी, जरा सोचिए, इट कैन हैपन। लेकिन उन लोगों को मतलब जो आज रिच लेवल हायर क्लास में है, वो अपनी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी जगह वो बना ले कुछ लोगों के लिए, कुछ उनके दिलों के अंदर बना ले, या मैं आपको सपोर्ट करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप हमारे साथ एक छोटा सा काम शुरुआत कीजिए, हम आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो देखो क्या रेवोल्यूशन हो जाएगा, क्या क्या तरक्की हो जाएगी हर इंसान की, किसी के आंख में फाइनेंशियली, फाइनेंस को लेके, इनकम को लेके आंसू कभी नहीं आएंगे। बाकी जो घटनाएं कुदरत ने लिखी हुई है वो तो अप्स एंड डाउन आने वाला है, नो प्रॉब्लम, लेकिन सोचो कि अगर अगर ऐसा हो जाता है तो कितना बड़ा बदलाव आएगा। जरूरी नहीं है इंसान पैसे से अमीर है और वो पैसा लेके ही किसी को मदद कर ले, जरूरी नहीं है। आज मेरे पास जो भी इनकम कमाई होती है तो कुछ हिस्सा में उन लोगों के अंदर में जो परिस्थिति नहीं है, जिनका बच्चे का एजुकेशन का कई प्रॉब्लम होता है, नहीं पढ़ पाते, फीस देने को पैसा नहीं है, खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत सारी चीजें हुई, तो मेरी मर्जी से मैं रोज तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो कॉन्ट्रीब्यूट करके मैंने उनको मदद की, लेकिन मैं कब तक करूंगा, ये सिचुएशन हालात तो बाद में कभी भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दे देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे अपना करियर वो खुद बना सके और अपना जो नॉलेज है वो अपग्रेड कर सके, और वो भी जब यहाँ पे सक्षम हो जाए वो आगे बढ़ सके। दूसरी बात, कॉलेज स्टूडेंट्स आज डिपेंडेंट है पेरेंट्स पे फीस के लिए। सभी कॉलेज स्टूडेंट्स जो मेरी बात सुन रहे हैं या बाद में इस वीडियो के माध्यम से आप सुनने वाले, आप समझ लीजिए आप आपके पेरेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। मैं 11th में था तब तक खर्चा मेरे पेरेंट्स करते थे, लेकिन जब मैंने एक छोटी सी मूवी देखी थी उस समय मुझे बताई गई थी पर्दे के ऊपर स्कूल के अंदर, तब मैंने उस मूवी को देख के बताया गया था कि अपने आप में काबिल बनो और आप अपने आप में सक्षम इतना बनो कि आपको आपके पेरेंट्स पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो वो चीज मेरे को कहीं ना कहीं लग गई थी, तो मैंने सबसे पहले ये चीज करने के लिए मुझे स्टेज चाहिए था, तो मैं स्टेज पे मैं थोड़ा सा ये करने लगा, मतलब बोलो ना स्टेज शोज करने लगा, मतलब कुछ, क्योंकि बोलना था मुझे, कुछ सीखना था, तो करने के लिए मुझे कुछ स्टेज चाहिए था, तो मैं कॉलेज के कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने लगा, जिसमें मुझे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलने लग गए, मेरे को काफी फिल्म स्टार्स ने अवार्ड्स भी दिए, मतलब कॉम्पिटिशन में वगैरह सब सारे मैंने किया, एक हॉबी भी की और कुछ बनना था, ऐसा था मुझे। तो बस वो प्लेटफॉर्म से मुझे ये मिल गया कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, डेफिनेटली मैं कुछ कर सकता हूँ।
तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और मैंने साइंस किया, कुछ परिस्थिति मैं साइंस किया, मैं बाद में कुछ सालों बाद डॉक्टर की डिग्री मुझे जो है मिली। तो डेफिनेटली मुझे जो चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया। लेकिन जहां बात आती है कि वो सक्सेस जो आज लोग आज ऐसे डॉक्टर से जो जो इतने हाई लेवल पे है, जहां हम शायद उनका नॉलेज उनके हिसाब से बहुत अच्छा हो, मेरा नॉलेज नहीं हो, लेकिन ये भी किस्मत की बात होती है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो जो डॉक्टर से या जो अलग प्रोफेशन में वो या कोई प्रोफेशन में है ही नहीं, अंगूठा छाप है, वो आज मिलियनर्स है। वो हम डिग्री लेने वाले पता नहीं आज भी नौकरियां ढूंढ रहे हैं और मतलब कहते हैं ना आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है वो ताजमहल होटल के अंदर। यस सर, यस एनी ऑर्डर प्लीज। ये मैंने देखा हुआ है, मतलब डिग्री लेने के बाद भी लोग को काम नहीं मिल रहा, उस सेक्टर में काम नहीं मिल रहा है और उनको मजबूरी में ऐसा काम एक्सेप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि उनके महीने के जो खर्चे है वो प्रॉब्लम है, इसलिए मजबूरी में अपना सर झुका के उनको कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ रही है। ये हकीकत है। आप बिलीव तब तक नहीं करोगे जब तक आप किसी को ये चीज पे सामने फेस नहीं करोगे। डेफिनेटली फ्यूचर ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन, इस डिजिटल रेवोल्यूशन को आपको सीखना है। सीखने के लिए आपने यहाँ पे जिसने आपको इन्वाइट किया है वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे और हमारे वेबिनार्स होते हैं, जूम मीटिंग्स होती है, वो उसके अंदर भी आप जो है वो एनरोल होके आप सीख सकते हो। अभी पॉइंट्स की बारी आती है। मेरे ख्याल से आप कोई बोर नहीं हो रहे हो। अगर कोई भी ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अनइजीनेस लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में डाल सकते हो क्योंकि मैं ओपन माइंडेड हूँ। मुझे आपसे भी सीखना है ताकि मुझे लगे कि भाई नहीं, हाँ मेरी कुछ पॉइंट्स में आपको सुधार और चाहिए। मैं अभी डेफिनेटली ये पॉइंट्स को रब करूंगा। मैं लाइट्स को ऑन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे।